इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राहु अलग अलग ग्रहों के साथ बैठकर कुंडली में क्या रिजल्ट देता है और अलग अलग कुंडली के भावों में बैठकर भी क्या परिणाम देता है। तो कृपया मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान अपने चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को जरूर दबा दीजिए। राहु ज्योतिष में बहुत शक्तिशाली ग्रह माना गया है। शक्तिशाली क्यों? क्योंकि यह सूर्य जैसे प्रबल शक्तिशाली चमकदार ग्रह की रोशनी को भी समाप्त कर सकता है, मध्यम कर सकता है। इसलिए राहु अपने परिणाम बहुत ठोस रूप में हमारी कुंडली में हमारे सामने रख देता है। जिसकी कुंडली में राहु अच्छा हो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, जिसकी कुंडली में राहु खराब हो उसकी परेशानी को कोई दूर नहीं कर सकता। राहु अपने आप में कलयुग में सबसे प्रबलशाली और प्रभावी ग्रह है। राजनेता, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े मीडिया सोशल फिल्म स्टार जो इतना चमकते हैं, उन सब की कुंडली में राहु बहुत अच्छा ज़रूर होता है, नहीं तो वह आगे नहीं बढ़ सकते हैं। राहु अलग अलग ग्रहों के साथ कैसा प्रभाव देता है और कुंडली के अलग अलग भावों में यानी हाउसेज में बैठे तो क्या परिणाम देता है, यह हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है। राहु के बारे में एक बात निश्चित जानिए कि यह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। है तो यह पाप ग्रह ही है, तो यह सूर्य को ग्रहण लगाने वाला, अथॉरिटी को क्वेश्चन करने वाला ग्रह है, तो इसे ज्योतिष में मलेच्छी ही कहा गया। राहु को पाप ग्रहों में पापों का सरदार कहा गया, चोर कहा गया, लंपट, झूठा, स्कीमर, ये सारे राहु के टाइटल्स कहे गए। लेकिन राहु ने तो अमृत भी पिया है, ग्रहों में भी इसको स्थान मिला गया। तो राहु अगर अच्छा हो तो व्यक्ति को बड़े बड़े राजयोग भी दे सकता है, व्यक्ति में अच्छी उन्नत स्तर की आध्यात्मिकता भी दे सकता है अगर किसी अच्छे ग्रह और अच्छी राशि और अच्छे नक्षत्र में बैठे। हालांकि यह पाप करने की तरफ ज़्यादा झुकाव देता है। तो हर ग्रह दो लेवल्स पे ऑपरेट करता है। मैं इसे हमेशा कहता हूँ, दिस वर्ल्ड इज़ नेवर इन ब्लैक एंड वाइट, इट इज़ ऑलवेज इन ए शेड ऑफ ग्रे। राहु भी वही ग्रे शेड का प्लैनेट है। राहु अगर अच्छा हो तो व्यक्ति में दूसरों की मदद करने की भी क्षमता होती है। राहु अगर सूर्य के साथ हो तो व्यक्ति हमेशा अथॉरिटी को क्वेश्चन करता है। क्या यह हमेशा बुरी बात है? नहीं। मान लीजिए हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, राहु जिसके सूर्य के साथ हो ऐसे लोग क्रांतिकारी होते हैं। क्या क्रांतिकारी होना बुरी बात है? क्या अंग्रेजों को क्वेश्चन करना बुरी बात थी? उस समय की अथॉरिटी गलत थी। तो राहु अगर ऐसी अथॉरिटी को क्वेश्चन करने की क्षमता देता है तो यह तो बहुत अच्छी बात है। तो राहु सूर्य के साथ होना बुरा तो है, ग्रहण योग तो है, लेकिन क्या यह हमेशा बुरा है? नहीं। रॉबिनहुड का सूर्य राहु के साथ था। रॉबिनहुड को कुछ लोग बुरा कह सकते हैं, लेकिन उसका क्या मानना था? अमीरों की संपत्ति छीन कर गरीबों में बांट दी जाए, है तो वह आउटलॉ ही है, तो वह एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर को चैलेंज करने वाला डकैत ही, लेकिन क्या वह पूरा ही बुरा है? आप दूसरे तरीके से सोच कर देखिए, क्या क्रांतिकारी जो अपने देश के लिए लड़ते हैं बुरे हैं? उग्रवादी भी होते हैं सूर्य राहु, वो बुरे हैं, लेकिन क्रांतिकारी भी बम का इस्तेमाल करते हैं, वो बुरे नहीं हैं। तो डिपेंड ये करता है कि आपकी कुंडली में राहु किस राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, वैसा आपको परिणाम देगा। तो राहु को ज़रूर देखिए आपकी कुंडली में कैसा है। इस वीडियो में मैं यही देखना सिखाऊंगा, पहले राहु के अलग अलग ग्रहों के साथ बैठने पर क्या परिणाम मिल सकता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। जिसकी कुंडली में राहु सूर्य के साथ हो तो व्यक्ति में ईगो बहुत हाई होगा। वह व्यक्ति कभी भी अपने बॉसेस की बात नहीं सुनेगा, हमेशा अथॉरिटी को ही चैलेंज कर देगा। ऐसे लोगों को सरकार से बहुत कष्ट मिलता है। लेकिन अगर सूर्य राहु के साथ हो तो कभी कभी ऐसे लोग सरकारी पदों पर भी मिलते हैं। ऐसे लोग हमेशा विसल ब्लोअर होते हैं, ऐसे लोग हमेशा अपने बॉसेस की बात नहीं मानते हैं, ऐसी व्यवस्थाओं को जन्म देते हैं जो हमेशा के लिए एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर को बदल देती है। तो सूर्य राहु क्रांतिकारी होता है, सूर्य और राहु का हो गया। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य के साथ चंद्रमा भी मन को ग्रहण लगाता है, क्योंकि चंद्रमा मन है। लेकिन
जब चंद्रमा राहु के साथ होता है तो व्यक्ति में अतींद्रिय शक्ति होती है, हाई सबकॉन्शियस एबिलिटीज, साइकिक पावर्स होती हैं। अगर ऐसा व्यक्ति ध्यान करे तो उस समय उसका मस्तिष्क बहुत ही तेजी से उसको आध्यात्म के पथ पर लेकर जा सकता है। राहु मंगल के साथ अंगारक योग बनाता है, है तो यह विस्फोटक योग, लेकिन बड़े बड़े क्रांतिकारियों और बड़े बड़े नए विचार देने वाले लोगों की कुंडली में भी मंगल के साथ राहु देखा गया है। बुध के साथ राहु बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि बुध राहु का मित्र है, तो ऐसे लोगों की बुद्धि तो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। बिल्कुल नई दुनिया के लोग होते हैं जो नई नई चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन बुध राहु वाले लोग स्कीमर होते हैं। बुध राहु वाले लोग बड़े बड़े टैक्स फ्रॉड्स करते हैं, बड़े बड़े घोटालेबाजों की कुंडली में भी बुध राहु देखा गया है। ऐसी स्थिति में बुध और राहु बुरे भाव में बैठे होंगे, यह ज़रूर होगा। अच्छे भाव में बैठेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छी राशियों में बैठेंगे तो बुद्धि को बहुत अच्छा बनाएंगे, पैनी बुद्धि वाले लोग होंगे। राहु गुरु के साथ अगर बैठा हो तो इसे गुरु चांडाल योग कहते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा क्वेश्चन करता है, हमेशा धर्म पर सवाल उठाएगा, हमेशा बड़े लोगों की बात को आँख मूंद कर नहीं मानेगा। लेकिन क्या यह हमेशा बुरी बात है? नहीं, ऐसे लोग खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। अगर गुरु राहु अच्छी राशि में हो, मान लीजिए गुरु और राहु का योग अगर मीन राशि में बने, तो ऐसे लोग बड़े एक्सप्लोरर होते हैं, बहुत तरह की खोज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे बातों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जो आदमी क्वेश्चन मार्क लगाएगा वही तो नई चीज़ें खोजेगा। शुक्र के साथ राहु, शुक्र के साथ राहु अमूमन राहु की सारी ऐसी भावनाओं को उभार देता है जो सांसारिक होती हैं, क्योंकि शुक्र सांसारिक ग्रह है, भोग विलास का ग्रह है। तो ऐसा राहु शुक्र का योग व्यक्ति में थोड़ी सी लेसिवियसनेस की टेंडेंसी भी दे सकता है। ऐसा व्यक्ति सेंसुअल हो सकता है। यह सांसारिक रूप से अच्छा योग इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसे लोग अफेयर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यह एक अलग तरह का योग है। सिगमंड फ्रायड, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस, मॉडर्न मेडिकल साइकोलॉजी और साइकोथेरेपी के फादर कहे जाते हैं, उनकी कुंडली में शुक्र और राहु का योग है। उन्होंने स्त्री को अलग रूप में परिभाषित किया। हमारी माताएं बहनें भी मेरे चैनल को देखती हैं, तो फ्रायड ने जो थ्योरी कही मैं उसको यहाँ पे नहीं कहना चाहूँगा, फॉर द सेक ऑफ प्रोप्राइटी एंड एथिक्स। फ्रायड ने क्या कहा शुक्र राहु के बारे कॉम्बिनेशन के कारण, क्या उनके विचार थे ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, यह आप गूगल पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं। मैं इस पर इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। शनि के साथ राहु, शनि के साथ राहु को पितृदोष कहा गया। ऐसे लोगों में बहुत अलग तरह की क्षमता होती है। शनि राहु पूरी तरह से शैतान योग कहा जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र योग में आगे बढ़े तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अब बताइए क्या शनि राहु बुरा है? नहीं, शनि राहु अगर अच्छी राशि में हो, तुला राशि में हो, वृष राशि में हो, तो यह योग व्यक्ति को बहुत आगे ले जाता है। अगर शनि राहु अगर कुंभ राशि में हो तो व्यक्ति तो बहुत तेजी से अध्यात्म के क्षेत्र में प्रगति कर सकता है अगर वो चाहे। शनि और राहु बहुत ही अद्भुत ग्रह हैं। राहु शनि का चेला है, पाराशर ऋषि कहते हैं शनि वद राहु, राहु बिहेव्स लाइक सैटर्न, तो इस बात को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब हमने सूर्य से लेकर शनि तक राहु किस ग्रह के साथ बैठकर क्या कर सकता है इस बात को समझ लिया। अब अलग अलग भावों में राहु के बैठने से क्या रिजल्ट मिलते हैं हम इस पर विचार करते हैं। जब मैं कहता हूँ कि राहु इस घर में अच्छा है, तो अच्छे से मतलब आप ये समझिए कि राहु उस घर में अपनी अच्छी राशियों में है, तभी वो अच्छा होगा। अच्छी राशियाँ राहु की कौन सी हैं? मिथुन और वृष में पराशर और जैमिनी और भृगु के हिसाब से उच्च माना गया, आप किसी में भी उच्च समझ सकते हैं। कन्या में और कुंभ में राहु को अपने घर का माना गया। तो मिथुन वृष कन्या और कुंभ में अगर राहु हो तो यह
अच्छी प्लेसमेंट साइन वाइज रहती है, यानी कि राशि के हिसाब से राहु की मानी जाएगी। साथ में यह भी ज़रूर देखिए कि राहु जिस राशि में बैठा है, जिस घर में, उस राशि का मालिक कुंडली में अच्छे घरों में तो ज़रूर है। जैसे अगर मान लीजिए राहु किसी का लग्न में कन्या राशि में बैठे तो कन्या का स्वामी बुध है, तो उस समय ज़रूर देखिए कि बुध कहाँ है। अगर बुध अच्छे घरों में बैठा है तो राहु तब भी अच्छा फल देगा, अगर बुध बुरे घरों में बैठ जाए तो राहु बुरा फल भी देने लगेगा, थोड़ा बहुत अच्छा और बुरा ज़रूर मिला के ही देगा। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। राहु के नक्षत्र भी ज़रूर देखिए किन नक्षत्रों में बैठा है। राहु जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठा होता है उस ग्रह का भी स्वभाव ले लेता है और वह ग्रह भी राहु जैसे अचानक फल देने लगता है। तो अब राहु अगर पहले घर में बैठे और अच्छा हो, यानी अच्छी राशियों में हो, तो क्या करेगा? पहले घर का बैठा हुआ राहु वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता है, शरीर में कष्ट होता है, लेकिन अच्छी राशि में बैठा पहले घर का राहु बहुत बड़ा राजयोग देता है। ऐसे लोग बहुत फेमस हो जाते हैं। शारीरिक समस्याएं तो उनको रहती हैं, गले से ऊपर उनको हमेशा भारीपन की शिकायत रहेगी, कुछ न कुछ रोग से ज़रूर परेशान होंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति का फेस हिप्नोटिक होगा, आँखें बड़ी सम्मोहक होंगी, उनकी बातों में बड़ा जादू होगा। ऐसे लोग किसी को भी मोह लेंगे। ऐसे लोगों में गजब की डिप्लोमेसी होती है। राहु पहले घर में व्यक्ति को बहुत अतींद्रिय क्षमता देता है, अपनी बात को किसी से भी मनवा लेना ऐसे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है। राहु अगर पहले घर में हो तो सूर्य जहाँ भी बैठा हो वह घर बर्बाद हो जाएगा, ऐसा लाल किताब ज्योतिष कहती है। यानी कि अगर राहु पहले घर में हो और सूर्य दूसरे घर में हो तो व्यक्ति को ससुराल पक्ष से कष्ट होगा। राहु अगर पहले घर में हो, सूर्य सातवें हो, तो अक्सर तलाक होते हुए देखे गए हैं। ऐसी स्थिति में राहु और सूर्य दोनों का उपाय करना चाहिए। राहु अगर दूसरे घर में हो तो ससुराल पक्ष से बहुत बदनामी मिलती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है जिसका राहु दूसरा हो और ख़राब हो, ऐसे व्यक्ति को ससुराल से झगड़ा होता है या ससुराल की तरफ से उस पर झूठे आरोप या मुकदमे दायर कर दिए जाते हैं। ऐसे राहु को बचाव करने के लिए मंदिर में दान देते रहें, यह राहु के बुरे प्रभावों से रक्षा करेगा। राहु अगर पहले घर में हो तो ज़रूर सूर्य का दान दें, यानी मंदिर में कुछ गेहूं कुछ कुछ महीनों के बाद ज़रूर देते रहें। राहु अगर तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति कभी भी स्थिर नहीं बैठ सकता, ऐसे लोग हमेशा घूमते फिरते रहते हैं। तीसरे घर का राहु वैसे अच्छा माना गया, अगर राहु तीसरे घर में हो और अपनी अच्छी राशि में बैठा हो, किसी अच्छे ग्रह के साथ योग करके बैठा हो, तो ऐसा कहा जाता है कि यह कुंडली के बहुत सारे दोषों को दूर कर देता है। अगर राहु तीसरे घर में बैठा हो और तकलीफ़ आ रही हो, बार बार आपका घर बदल जाता हो, कहीं भी एक जगह टिककर नहीं रह पाते हो, तो शिव जी पर दूध चढ़ाएं, यह राहु के बुरे प्रभावों से आपकी रक्षा करेगा। कुल मिलाकर तीसरे घर का राहु तो वैसे अच्छा ही माना गया। राहु अगर चौथे घर में हो तो व्यक्ति की माता को तकलीफ देता है, ऐसे लोगों के घर में ज़रूर किसी न किसी बात को लेकर कलह बनी रहती है, चाहे राहु अच्छा ही क्यों ना हो। राहु अच्छा होगा तब भी मानसिक चिंता तो देगा ही देगा, राहु अगर बुरा हो तब तो बहुत ही बुरा हो जाएगा, बहुत तरह की तकलीफ़ देना शुरू करेगा। राहु जब चौथा होगा तो केतु दसवां होगा, ऐसे व्यक्ति के कैरियर में, चूँकि दसवां घर करियर का घर होता है, हमेशा उसको उथल पुथल मची रहेगी, वह बधा बधा सा महसूस करेगा। ऐसा राहु करियर में अचानक ही चेंजेस दे देगा, जॉब में ट्रांसफ़र या जॉब में सडन लॉसेस भी ऐसा राहु करता हुआ देखा जाता है। राहु जब चौथे घर में होता है तो अक्सर व्यक्ति के एजुकेशन में बाधाएं आती हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति पढ़ाई पूरी भी नहीं कर पाता है। राहु जब चौथे घर में हो और ऐसे राहु की महादशा या अंतरदशा आ जाए तो व्यक्ति घर में रेनोवेशन का काम शुरू कर देता है, पैसे लगा देता है, और बहुत बार अगर राहु उसी समय गोचर में बुरा चल रहा हो तो लोगों के घर का काम बीच में ही रुक जाता है, रेनोवेशन आधा हो जाता है या बना बनाया घर आधे में ही बनकर छूट जाता है, यह राहु के प्रभाव को और बुरा कर देता है। इसलिए जब भी आपका चौथा राहु हो
या तो आप जब घर बनाने की शुरुआत करें तो घर के मेन एंट्रेंस के नीचे थोड़ी ज़मीन खोदकर चांदी का चौकोर टुकड़ा लंबा दबा दें उसके नीचे, या अगर आपका घर बन गया हो तब भी जहां तक आप उचित समझे एक टाइल हटाकर ज़रूर चांदी की एक चौकोर पट्टी दबा दें। इससे राहु का बुरा असर चौथे घर का ख़त्म हो जाता है। राहु अगर पाँचवें घर में हो तो व्यक्ति में अजीब सी बुद्धि देता है। ऐसे लोग हमेशा लीक से अलग हटकर सोचते हैं। शेयर बाजार में ऐसे लोगों का दिमाग बहुत तेज चलता है। ऐसे लोग वह सोच सकते हैं, भांप सकते हैं जो दूसरा कोई भी नहीं समझ सकता। यह लोग आगे क्या होने वाला है इस बात को समझ लेते हैं, इसीलिए शेयर ट्रेडिंग में ऐसे लोग बहुत सफल होते हुए देखे गए हैं। मैंने देखा है जिसका राहु और बुध पांचवें घर में हो ऐसे लोग बड़े जीनियस होते हैं। अगर उनका बुध राहु कॉम्बिनेशन किसी अच्छी राशि में जैसे कन्या राशि में हो तो ऐसे लोग बहुत जीनियस मैंने देखे हैं, जो ऐसा सोच सकते हैं जैसा कोई नहीं सोच सकता। राहु अगर पांचवें घर में बृहस्पति के साथ हो तो व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई पूरी करने में बहुत बाधा आती है। ऐसे लोगों के बच्चे भी होने में तकलीफ़ होती है, ख़ास तौर पर ऐसे लोगों की पत्नियों को अबॉर्शन के चांसेस होते हैं। तो ऐसी हालत में राहु का उपाय ज़रूर करें, तभी ये राहु अच्छा फल देगा। ऐसे राहु का हम क्या उपाय कर सकते हैं? गले में चांदी की जंजीर पहन सकते हैं या ब्रेसलेट्स पहन सकते हैं। स्टमक ट्रबल्स यानी पेट से डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं भी ऐसा राहु देने लगता है। राहु अगर छठे भाव में हो तो अच्छा माना जाता है। छठा राहु शत्रुओं का नाश करता है, छठा राहु बीमारी का नाश करता है अगर अच्छी राशि में हो। लेकिन अगर यहाँ राहु बुरा हो, कहीं शनि के साथ हो, तो व्यक्ति में क्रिमिनल टेंडेंसीज आ जाती हैं। अगर आपका एंटी सोशल लोगों से दोस्ती हो जाए तो आप ये समझिए आपका छठे घर का राहु बुरा फल दे रहा है। वह कभी भी आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, इसलिए जिसका राहु छठा हो एंटी सोशल लोगों से उसे दूर रहना चाहिए। लेकिन ऐसा राहु अगर कोई आदमी पुलिस में हो, फोर्सेस में हो, लॉ में हो, मेडिकल फील्ड में हो, तो ऐसा राहु बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि आपको ऐसे लोगों से वास्ता पड़ेगा, तकलीफ़ों से वास्ता पड़ेगा, तो उस केस में आपका राहु आपको तरक्की देगा। तो डिपेंड ये करता है कि आपका राहु कैसा है, आप किस फील्ड में हैं और आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। राहु है तो बुरा, लेकिन पूरी तरह से बुरा नहीं है। राहु जैसा राजयोग दे सकता है वैसा राजयोग कोई भी दूसरा ग्रह नहीं दे सकता। इन सारी बातों का विचार करते हुए ही आप राहु के फल के बारे में सोचें। तो इस वीडियो में मैंने पहले भाव से लेकर छठे भाव तक के राहु के फल बताए। अगले वीडियो में मैं सातवें भाव से लेकर बारहवें भाव तक के राहु के फल पर चर्चा करूंगा। शांति ओम।